गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर यानी जैसे बिजली चोरी करने की FIR हो गई है तो उसमें घबराना नहीं है। आज इस बारे में बात करते हैं कि उसका किस प्रकार से समाधान करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जो भी लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का यह कानून है जिस कानून के अंतर्गत जो भी व्यक्ति बिजली की चोरी करता है उस पर कार्रवाई होती है। तो फ्रेंड्स, उसकी कुछ धाराएं हैं, धारा 135 और धारा 138 और धारा 138B में FIR दर्ज होती है। तो फ्रेंड्स, जो धारा 135 होती है, यदि कोई व्यक्ति बिना मीटर के बिजली चोरी कर रहा है, कनेक्शन नहीं लिया है, तो उस 135 की धारा में FIR होती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति ने कनेक्शन ले रखा है और मीटर से छेड़छाड़ करके अलग से कहीं तार लगा के या किसी तरीके से बिजली चोरी कर रहा है तो जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का कानून है उसकी धारा 138 में FIR होती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति यानी कनेक्शन कट जाता है, जैसे बिजली चोरी कर रहा है किसी भी तरीके से मीटर से, और चोरी करने के बाद वो कर्मचारी आते हैं, कनेक्शन काट देते हैं और वो व्यक्ति दोबारा से जोड़ लेता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर 138B में FIR हो जाती है। फ्रेंड्स, यदि FIR हो जाए तो आपको डरना नहीं है, आपको जो प्रोसेस फॉलो करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल डरेंगे नहीं। FIR जैसे फ्रेंड्स हो जाती है तो वहाँ से बिजली विभाग से आपके पास एक नोटिस आता है और जैसे नोटिस आएगा तो आपको जाना है बिजली विभाग में, जो भी बिजली घर है आपका नज़दीकी वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जो भी आपके पास नोटिस आया यानी सम्मन आया है तो उसकी सम्मन की फ़ीस होती है और एक राज्य फीस होती है, यानी राज्य शुल्क और सम्मन शुल्क, उसको पता करना है कि वो कितना बन रहा है, उसका खर्चा कितना है, उस खर्चे को अपना जमा करवा देना है। जमा करवाने के बाद आपको एक वकील के पास जाना है और वकील से मामले को बताना है, वो मामले को जो आपका बिजली चोरी का मामला है उसको लोक अदालत में ले जाएंगे। लोक अदालत में ले जाकर आपको वहाँ पर मामले को सेटल करने लेना है, यानी लोक अदालत का ये काम होता है कि जो भी मामला है उसको समझौता करा दें। तो आप वहाँ पर जाकर आप इस प्रकार से समझौता करा सकते हैं और जैसे समझौता करा लेंगे तो आपका केस सेटल हो जाएगा, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।